तो फ्रेंड्स पूरा अश्विन महीना बीत गया और कार्तिक आने वाला है और रमजान में चौथे भतीजे ने ना दबते अपने बाल नहीं कटवाए, तो इसका तो कटिंग होगा और मेरी शेविंग होगी, क्योंकि 16 दिन तक तो श्राद्ध चले और फिर 9 दिन तक नवरात्र थे, तो 25 दिन हो गए और 25 दिन से हमने बाल नहीं कटवाए और उसके बाल भी बड़े बड़े हो गए और मेरी दाढ़ी भी। मतलब जब उज्जैन महाकालेश्वर गए थे ना तब शेविंग वहाँ से आके उस तरह फिरवाया था, सिर्फ टकला करवाया था और शेविंग करवाई थी और 25 दिन में दाढ़ी इतनी बड़ी होगी। आज दशहरे के बाद दाढ़ी कटवाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी और उसके बाल भी देखो कितने बड़े बड़े हो गए। तो चलो भाई पहले कटिंग करवा लाऊँ इसका और खुद की शेविंग करवा लाऊँ। भाई कितने छोटे करवाऊँ, टकला करवा दोगे तुझे भी और छोटे छोटे सा कटिंग? चलो छोटे छोटे सा करवा दूंगा, क्योंकि मुसलमानी के हाथ तीन नंबर आ गया और उसका कटिंग होगा पहले इसका, फिर मेरी शेविंग होगी। कौन सा कटिंग करेगा भाई इसका? फौजी कटिंग कर दियो भाई, फौजी कटिंग करवाओगा पुलिस कटिंग? फौजी कटिंग ठीक है, तो फौजी कटिंग ही होगा। कौन सा कुत्ता कटिंग? ये तेरे अच्छा मजाक करो जा, कुत्ता कटिंग करेंगे तेरे। ये लिए ना भाई है, ये तो कंची उस तरह लग जाएगा अगर ही लगा। छोटे छोटे से कर दिए, वो कर दिए और साइड तो बिल्कुल ही कम कर दी। कटिंग करवा के आगे भाई और अब ना आगे हम दोनों बाल बाल से जो लग रहे ये साफ हो जाएंगे, बढ़िया हो गया कटिंग तो है, गर्म होगी बहुत। शेविंग करवा के थोड़ी सी चमक इधर भी आ गई भाई, बढ़िया सर पर तो रहे नहीं बाल, सर तो खाली हो गया लेकिन दाढ़ी के बाल अभी सफ़ेद नहीं हुए थे, 25 दिन तक भी बाल रोकने से बड़े बड़े नहीं होते ज़्यादा। फ्रेंड्स मैं और आरुष चले गए थे हेयर सैलून पर और इधर नंदिनी नाराज़ हो रही, देखो क्या क्या कह रही नंदिनी, जब मशीन चलाए उस तरह चला यहाँ वो, तो यह कह रही है कि हमारे भी बाल कटवा के लाओ, लेकिन मैं तो कह रहा था कि चुटिया बनाने ला कर लूँ इसके बाल, लेकिन ये हैं बाल ना कटवाओ आप, चुटिया बना कर यो है, लेकिन ये देखो जिद कर रही, तो इसके थोड़े थोड़े से अंत है, ये कनौती से कटवा दूंगा और थोड़े से इधर से गोल करवा दूंगा। कैसा राउंड कटिंग? सर्कल कटिंग, सर्कल कटिंग करवा दूँ बस, चारों तरफ से थोड़े थोड़े से कटवा दूंगा, इसे भी लेके जाना पड़ेगा हैं। और उसी के तो नहीं कटवाने मट्ठा, और उसी के तो रहने दो मट्ठा दे दियो, और उसी के तो रहने दो बस, नंदू का करवा लो थोड़ा सा कटिंग देने के साथ साथ भाई, यार उसी भी रेडी होगी, कह रही गोल सा कटिंग मेरा भी करवा दो, और यार उसकी वही वाली टी शर्ट पहन ली इसने, बाल लगेंगे तो इसी कपड़े में लग जाएंगे। चलो इन दोनों को लेकर चलता हूँ भाई। पहला बारी आई है नंदिनी की और आरुषि अभी वेटिंग में उधर बैठी। गोल सा कटिंग करना भाई मुखीम इसका, ज़्यादा नहीं काटने। कौन सा बता रही थी? सर्कल कटिंग, गोल गोल सा चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा बस, सर्कल कटिंग। आरुषि का भी सर्कल कटिंग ही होगा, तेरे भी सर्कल कटिंग ही हो गए हैं? हाँ जी सर्कल कटिंग हो लग रहा नंदू, हिली है ना, नहीं तो रेक्टेंगल कटिंग हो जाएगा तेरा सर्कल तो। बस 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 गर्दन तिरछी सी लग रहा है, पीछे तक सर्कल सा होगा आ गया और थोड़े थोड़े जा गर्दन कट जाएंगे, हो गया कटिंग नंदू का तो वेरी गुड। आरुषि की बारी आ गई भाई और आरुषि के भी बस साइड मत ही कटवाए, थोड़े थोड़े से ऊपर से नहीं कटवाने के, पीछे से रह रहे। कौन सा कटिंग हुआ आपका? गोल कटिंग हुआ है ना, क्या कह करो आप गोल को? गोल को ही कहें, गोल को ही कहें सर्कल कटिंग, अरे यही सर्कल कटिंग आरुषि का हो रहा। नंदिनी तो डरे थी जब कैंची चले थी, लेकिन आरुषि नहीं डरती भाई, जब ऐसे उख रहे था जब डर थी, जब उस कैंची लग रही थी जब डर थी, हाँ जब कैंची चले मशीन चले तब डरे, लेकिन आरुषि नहीं डरती। देखो आरुषि तो आराम से कटवा ले, गर्दन टेढ़ी नहीं करती, गुदगुदी उठे गुदगुदी उठे, उससे कुछ नहीं होता बाकी।
क्या लड़का दिख रही है? आदमी से लड़का दिख रही है, लड़का जैसी दिख रही है। कटिंग होती है उसी तो लड़का जैसी दिख रही है। फ्रेंड्स अपने घेर में आ गए हम कुछ एक खास काम करने के लिए। और खास काम क्या है देखो, सीवी यानी सिवैया तोड़ने की एक मशीन है हमारे, चरखी, वो मैंने इसमें चारपाई में लगा ली। और माँ जी ने इधर आटा गूंथना शुरू कर दिया, बारीक वाले कपड़े में छान रखा आटा जिसमें बिल्कुल भी चोकर ना आवे। तो उतना बढ़िया आटा छान के बारीक सा महीन सा खूब कपड़ छान करके और आटा गूंथना शुरू कर दिया माँ जी ने। देखो एक परात आटा ले लिया और आटा उधर भगोने में भी है, पतीले में भी है, खूब सारा आटा छान रखा। अच्छा वो फूल मैदा है वो भी मिलाया इसमें, मिला के फूल मैदा आटे में मिला के और आटा गूंथना शुरू कर दिया माँ जी ने। और चरखी जो हमारी है वह इस तरह की है, मैंने इसे चारपाई में लगा ली। और पिताजी ले आए एक रस्सी, रस्सी से इसे खूब कस के बांध लूँगा जिससे यह हिले डुले ना, और जैसे जूस निकालने की मशीन हो ना ऐसी है, ऐसे घुमावे हम इसे। और ऐसे घुमाने से इसके अंदर जो बेलन है इसमें फंस के आटा जाता रहे अंदर, और नीचे इसके जाली लगी हुई है, इस जाली में को आवे सिवैया निकल गए। तो भाई पिताजी रस्सी ले आए, ये सब बांध लो बढ़िया तरीके से, और तब तक माँ आटा गूंथ लेगी। और एक चारपाई उधर धूप में डाल लूँगा कहीं, और उस पर एक रस्सी बांध गए वे सिवैया नूडल्स, उस पर डाल देंगे हम। चिंकी इधर फ्रूट चाट बना के लाई भाई घर से, देखो अनार छील के सेब काट के, पिताजी पे तो खाई नहीं जा। फ्रूट चाट नहीं है ये, जिमा अलग अलग काट के लाई, फ्रूट चाट में मिक्स हो, मिक्स हो जा और मसाला वसाला डाला जा तो मिक्स कर सके हम इसे, मसाला भी डाल सके। माँ को पूछ ले, माँ तो खा लेगी, पिताजी पे नहीं खाई। मैं तो पूछ लिया, खा भी लिया माँ ने। फ्रेंड्स चारपाई डाल के यहाँ इस पर रस्सी भी बांध दी हमने, और इन रस्सियों पर हमारी नूडल्स डाल ली जाएंगी भाई। इन रस्सियों पर कपड़ा नीचे इसलिए डाल दिया कि कोई अगर टूट जाए नूडल्स तो वो कपड़े पे गिरे नीचे ना गिरे, तो धूप में यहाँ सूखेंगी बढ़िया से। और इधर देखो इस पर तेल लगा लें एक बार, कपड़े से पहले से साफ कर लेंगे ना, तब तेल लगाऊंगी, लगा रहे बढ़िया है। एक कपड़े से पहले जाली वाली इसकी साफ कर लेंगे तो बढ़िया आऊँगी सी भैया। और आरुषी फ्रूट्स खा रही थी, चिंकी ले गई थी, बस चरखी मैंने बांध ली इसमें, देखो इसकी दीवान में दे गए ये पटरा इसका, और इस वाली रस्सी से कस कर बांध दिया ताकि यह हिले ना। और अब ऐसे घुमा घुमा के इसे सिवैया तोड़ी जाएंगे। देखिए अब जब चालू हो जाएगी कैसे डाला जाएगा आटा। तो किसका टाइम लगता होगा ना, चाचा का टाइम लगता होगा ना, सुनील का है, और कौन मना था। आज इस काम को फाइनल में ही करूँगा, नहीं थोड़ा करते सिवई। श्राद्ध चल रहे थे, फिर नवरात्र चल रहे थे, श्राद्ध में बना करे। पहले तो जब हम छोटे छोटे थे हमारे श्राद्ध थे, पहले ही तोड़ लेते थे सिवई, हमने भी तोड़े थे। हाँ और श्राद्ध में बना करते तोड़े थे, खत्म हो गए थे वे। घोटना किसके लिए? घोटने तो धकेल लेंगे इसे, अंगूठा ना फंसे इसमें, घोट देंगे से हत्ते को। इतना अंदर चला गया यो, इतना आटा नहीं जाता इसमें अंदर, चले हल्की हल्की सी चौमीन। अभी सबसे नीचे वाले गाने में काले आ रहे होंगे नीचे, नहीं इस थोड़े से थोड़े थोड़े से आ रहे बस नीचे नीचे से, चोट चोट सी पे काले काले से। पहला तो हमारा चाचा पोड़ देख रहा था बहुत जब हम छोटे छोटे थे, हैं राजेंद्र चाचा, हमारा चाचा बुढ़ा हो गया। ओ भाई रोटी काट के डाल ले तेरे दर में मिल दे, कितनी ताकत बो रहे है, सांड भी डर है वो चाचा ते। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इनमें तो। कितने लंबे लंबे नूडल्स, जैसी चाउमीन हो है। चल ही तो करा मैंने इसे, देखो किसे किसे लगा मैं यहाँ से। बहुत मेहनत ये तो बांध दी मैंने, मगर थोड़ी देर में चलाऊंगा, थोड़ी देर कोई और चलाओगा जब काम जुड़ जाएगा तो। गाइस देखिए कितने मतलब बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, और एकदम ऐसे तोड़ ऐसे तोड़ के अब माँ इन्हें फैला देगी।
और ये सूख जाएंगे और फिर सूख के बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाएंगे, फिर हम इन्हें नूडल्स बना खा सकते, इसमें पूरा भर जाता है। पूरे मोहल्ले में हमारे योगी है मशीन अब जा एक तो बहुत ही आवे और पांच से चार पांच से कहीं इधर है जैसी हमारी चारा काटनी मशीन है घास काटनी मशीन की जैसे पांच आ गई इसकी ऐसी पालक काटने की आन लगी बजा लाओ मुझे ताकत लगा ले ना मैंने टिक्की खा ये तू अपने जोगी तोड़ ले क्या बार बार आ थकवा अपने चाचा का मेरा लग रहा है रुको दो जनों को फेर जाकर कितने सारे हो गए छूट जाने दो जो हो गए वहां पर तीन बंदी गिर जा तो फ्रेंड्स घर के सारे काम निपटाने के बाद हम आ गए थे घेर में। घेर में खाना भी नहीं बनाया, खाने में बनाया पाव, पाव तो बनाए नहीं, बाजी की सब्जी और पूरी चावल सबके लिए हमने और बच्चों ने तो खा लिया। बस दो जने रह रहे माँ जी और ये बच्चों के पापा कारीगर साहब। ये नूडल्स तोड़ रहे पहले मैं तोड़ लूंगा तो फिर खाना खा के मेरे को काम नहीं होता। तो जी ये रेस्ट कर रहे थोड़ी सी देर के लिए क्योंकि मैदा जो है कम रह गया। उधर आरुषि और नंदनी मशीन में लगी पड़ी और माँ बोली है रहने दो उंगली अंगली आ गई ना तो अभी टूट जाएंगे सारे नूडल्स। पर ये मान नहीं रही, देख लो दोनों की, दोनों कैसे से खाली चलाने लग रही। और चाचा जी गए, आटा निकलन लग रहा तो इसे क्यों निकाल रहे हैं आप बेटा? उल्टी ना चलाओ, ये उल्टी चलाओगे तो आटा तो निकलेगा ही। और उंगली ना दे लिए, कट जाएगी इसमें उंगली। उधर देखो कितने सारे नूडल्स तोड़ दिए बच्चों के लिए। अब ना सर्दी आने लग रही, सर्दियों में बहुत सारी सब्जी आ गए होगी। अच्छा जी, और देखो सुबह थोड़े से तो इस पे है और कुछ इस पे है और थोड़ा सा और रह गया। कल ये सारे शाम तक सूख जाएंगे तो एक ही खाट पे आगे सूख जाएंगे फिर थोड़े से, और इन्हें फिर भून के रख लेंगे उठा के। जब बहुत सारी सब्जियां डाल के ना इनमें सब्जी वो बना कर रहेंगे ना नूडल्स तो बहुत टेस्टी लगे नमक के जो है चाउमीन वगैरह की तरह। तो ये देखो पूरी मेहनत कर रहे खाने वाले, इधर वाले भी और उधर वाले भी। देखो हमारी नूडल्स है होममेड नूडल्स वो पूरे हो गए। देखो ये सारे के सारे बन के तैयार है, बस सूखने रह गए। और ये देखो दोनों खाट भर गई, कुछ जो सूखते रहे ना वे नीचे उतार उतार कर डाल दिए। देखो कितने सारे दिन तक हैं। ये सर्दियों में निकाल देंगे, बच्चों का मन भी बढ़ जाएगा। कभी नमक के बना ले रहे हैं, कभी मीठे बना ले रहे हैं। मीठे बच्चे नहीं खाते, नमक के बच्चे खावे तो। और हम सब तो मीठा को पसंद करे जो बड़े बड़े है, और ये बच्चे जो है नमक का ज्यादा पसंद करे। मीठे मीठे अच्छे लगे आपको? चीनी पसंद है तो सबसे लास्ट तक का साथ निभाया बच्चों में ना, नहीं सारा काम करवा दिए। अब इस मशीन को पानी में डाल देंगे इसे खोल के।